Once again, welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again, I'm back with another video of practice of medicine, and the topic that we have for today is gastroesophageal reflux disease. ठीक है फ्रेंड्स, ये टर्म से ही क्लियर हो रहा है दैट यहाँ पर जो ईसोफेगस है, ठीक है, उसमें रिफ्लक्स हो जा रहा है. किस चीज़ का? गैस्ट्रो कंटेंट्स का, मतलब स्टमक के कंटेंट्स का, और उसकी वजह से एक डिजीज़ हो रही है विच वी कॉल गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़. डेफिनेशन यहाँ क्या लिखी है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ इज डिफाइंड एज द बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इन टू द ईसोफेगस. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. नाउ ये जो स्टमक का कंटेंट है, ये ऑब्वियसली जो ईसोफेगस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगा, जिसकी वजह से हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन जैसी प्रॉब्लम पर्सन में देखने को मिल सकती है. हार्ट बर्न मतलब जो स्टर्नम के पीछे वाला पॉइंट है वहाँ पे जलन होना, या फिर रिगर्जिटेशन मतलब जो फूड सॉलो किया है उसका वापस रिगर्जिटेट हो जाना, ठीक है, वापस आ जाना. तो ये सारी चीज़ें हो गया इसका इंट्रोडक्शन. अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दैट द नॉर्मल एंटी रिफ्लक्स बैरियर एट द गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन जोन whose functional integrity is maintained by LOS pressure, that is intrinsic pressure. ठीक है, तो LOS है मतलब lower esophageal pressure, lower esophageal sphincter जो है, ठीक है, जो स्टमक में ओपन होता है वो हमेशा क्लोज रहता है सिर्फ जब हम क्या करते हैं, जब हम फूड सॉलो करते हैं तो उस टाइम के लिए इट इज़ एसोसिएटेड विद सॉलोइंग. बट कई बार क्या होता है, इसका जो रिलैक्सेशन होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो जाता है, फॉर मोर देन 10 seconds, और इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है ये हमें देखने को मिल जाती है. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, पैथोफिजियोलॉजी में जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है जो सिर्फ सॉलोइंग के लिए खुलना चाहिए था और फिर बंद हो जाना चाहिए था, वो अगर ज़्यादा टाइम के लिए खुला रह जा रहा है तो स्टमक के जो कंटेंट्स हैं वो वापस ईसोफेगस में आ सकते हैं. ठीक है, कई बार पेशेंट में एक प्रॉब्लम मिलती है, हाइटस हर्निया. नाउ व्हाट इज दैट? तो हाइटस हर्निया जो है, दिस इज सीन इन 60-90% ऑफ केसेस विथ गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टमक का कुछ पार्ट है वो डायफ्राम का जो एरिया है जहाँ पर ईसोफेगस एंटर कर रही है, वो उस पार्ट की लूजनिंग की वजह से स्टमक का कुछ कंटेंट्स, वो कार्डियक पोर्शन हो सकता है, वो फंडल पोर्शन हो सकता है, कोई भी क्या होता है वापस अंदर आ जाता है. ठीक है, और उस वजह से जो कंटेंट्स है स्टमक के वो वापस ईसोफेगस में आ जाते हैं. ठीक है, तो हाइटस हर्निया भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. ठीक है, हर्निएशन का मतलब ही होता है कि एक ऑर्गन का किसी भी जो ओपनिंग है उससे बाहर आ जाना या फिर प्रोट्रूजन हो जाना जो कि नॉर्मल ना हो. ठीक है, नेक्स्ट क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके लिए? तो देखिए, जो लॉस ऑफ इंट्रा अबडोमिनल सेगमेंट है, LOS इंक्रीजेस ट्रांसिएंट LOS रिलैक्सेशन एंड इम्पेयर्स ईसोफेजियल एसिड क्लियरेंस. ठीक है, और जो LOS है वो कई बार जो एसिड की क्लियरेंस है वो अगर अब्रप्ट हो जा रही है, मतलब नॉर्मल पेरिस्टाइलिसिस नहीं हो रही है और जो स्टमक एसिड गलती से ईसोफेगस में पहुंच गया था वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व हो सकती है. ठीक है, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी पैथोलॉजी क्या होगी. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस दैट पैथोलॉजी में
एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है, मेटाप्लेजिया। ठीक है, हो क्या जाता है कि देखिए जो ईसोफेगस है, ठीक है, और ये फिर यहाँ पे स्टमक है, तो स्टमक की चीजें बार बार ईसोफेगस में जा रही हैं, तो ईसोफेगस खुद भी ये सोचेगी कि जब स्टमक का एसिड आ रहा है और यहाँ पे है स्क्वैमस सेल एपिथीलियम, ठीक है, और यहाँ पर स्टमक में होता है कॉलमनर एपिथीलियम, ठीक है, तो अगर जो स्क्वैमस सेल एपिथीलियम है वो तो वीक है क्योंकि वहाँ पर एसिड नहीं जाना है, ईसोफेगस में एसिड का कंटेंट तो कभी नहीं जाता, लेकिन ये तो एक डिसऑर्डर है, तो स्क्वैमस सेल एपिथीलियम की जो सेल है वो भी ट्रांसफॉर्म कर लेती है खुद को कॉलमनर एपिथीलियम में, एंड एक टाइप की सेल का दूसरे टाइप की सेल में जो कन्वर्जन होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हमें देखने को मिल सकता है कहाँ पर, ईसोफेगस में, और ये चीज़ ज़्यादातर ऑब्जर्व होती है इन द केसेस ऑफ बैरेट्स ईसोफेगस। ठीक है, तो देखिए जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है उसके लिए एक तो LOS ढीला हो जा रहा है, ठीक है, उसका अब्रप्ट रिलैक्सेशन हो जा रहा है ज़्यादा टाइम के लिए, उस वजह से ऐसा हो रहा है, हाइटस हर्निया की वजह से हो रहा है, बैरेट्स ईसोफेगस उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो मतलब जो सेल्स हैं उसमें मेटाप्लेजिया हो जा रही है ड्यू टू रिवर्सिबल या फिर रिकरेंट जो उसको एसिड को सफर करना पड़ रहा है इसलिए। ठीक है, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द पैथोलॉजी लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। तो सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स GORD जो है इसमें सिर्फ आपको ध्यान में जो चीज़ रखनी है दैट इज दिस टिपिकल रिफ्लक्स सिम्टम्स जो कि ऑब्जर्व होते हैं एंड दैट इज हार्ट बर्न एंड रिगर्जिटेशन। ठीक है, हार्ट बर्न क्या होता है, रेट्रोस्टर्नम मतलब स्टर्नम के पीछे अगर जलन की सेंसेशन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, सो दैट इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ GERD एंड ऑल्सो रिगर्जिटेशन मतलब जो फूड सॉलो किया है वो अगर वापस आ जा रहा है, रिगर्जिटेट कर जा रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी कॉज ऑफ गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, डिसफेजिया इन पेशेंट, देखिए अगर कोई पर्सन है जिसको खाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, पेनफुल सॉलोइंग है, तो वो आप देखोगे आपको देयर आर चांसेस दैट पर्सन में GORD तो हो ही, उसके साथ मैलिग्नेंसी की भी चांसेस है। ठीक है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर किसी पर्सन को GORD के साथ क्या है, मैलिग्नेंसी का डेवलपमेंट या फिर सॉरी डिसफेजिया एसोसिएटेड विद GORD कैन बी कॉज ऑफ मैलिग्नेंसी, और वो मैलिग्नेंसी कौन सी होगी, ऑब्वियसली एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो ईसोफेगस में देखने को मिलता है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द क्लिनिकल फीचर्स, लेकिन वो क्लिनिकल फीचर्स कैसे थे इसके बारे में लिखा हुआ है, दीज वर द रिफ्लेक्स सिम्टम्स जो कि ईसोफेगस में हमें मिल रहे हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा ईसोफेजियल सिम्टम्स भी होते हैं, वो सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दैट established association जैसे रिफ्लक्स कफ मिल सकता है, रिफ्लक्स लैरिंजाइटिस, रिफ्लक्स एस्मा, रिफ्लक्स डेंटल इरोजन। ठीक है, उसके अलावा कई बार पर्सन में अदर कंप्लेंट्स लाइक साइनोसाइटिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस, ये भी सिम्टम्स ऑब्जर्व हो सकते हैं, लेकिन ये जो लास्ट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, बट दीज सिम्टम्स आर यूजुअली मैनिफेस्टेड इन द पेशेंट ऑफ GORD। ठीक है, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द क्लिनिकल फीचर्स अब हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं, तो एंडोस्कोपी जो है दिस इज द मोस्ट यूज्ड प्रोसीजर और मैनोमेट्री। ठीक है, मैनोमेट्री जो है वो पेरिस्टाल्सिस में अगर कोई डिसफंक्शन है, देखिए अगर नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस हो रही होती तो वो एसिड नीचे चला गया होता, बट जस्ट बिकॉज इट इज परसिस्टिंग दैट मीन्स पेरिस्टाल्सिस में कोई दिक्कत हो सकती है, उसके अलावा वी कैन डू
वी कैन टेक क्लिनिकल हिस्ट्री, वो जो दो सिम्टम्स बताए गए थे, ठीक है, अलार्मिंग सिम्टम्स क्या थे, एक तो रेट्रोस्टर्नल बर्निंग, उसके अलावा रीगर्जिटेशन, 2 hours से आपको इसके सिम्टम्स याद रखने हैं, 2 hours, वो आर क्या है, रेट्रोस्टर्नल और रीगर्जिटेशन, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. नाउ वी हैव अंडरस्टूड द इन्वेस्टिगेशन सेक्शन, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द ट्रीटमेंट, ठीक है. तो ट्रीटमेंट में एक तो मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो बहुत एविडेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ GORD विच इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें मैंने आपको गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज पढ़ाई. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. ये क्वेश्चन 20 marks में कई बार पूछा गया है, दैट इज वाई आई हैव थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. ये वीडियो प्रीमियर हो रहा था 11 o'clock से एंड डेली 11 o'clock पे PM का एक लेक्चर प्रीमियर होता है ओनली ऑन मेडिक्योर बॉडी. तो इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस द अपकमिंग अपडेट्स, प्लीज़ हिट द बेल आइकन. थैंक यू.